आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट अचार। एक अचार बनाऊंगी मैं हरी मिर्च, लहसुन और करौंदे का, और दूसरा हरी मिर्च का अचार बनाऊंगी जो आप तुरंत बनाइए और तुरंत। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बनाऊंगी हरी मिर्च, करौंदा और लहसुन का अचार। ये मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें हम 1 चम्मच 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे, पर ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये गर्म हो रहा है मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए 1/2 कप लहसुन, 1 कप हरी मिर्च, 1 कप करौंदा, नमक, राई, साबुत राई, साबुत सौंफ, साबुत मेथी और थोड़ी सी हल्दी। सबसे पहले तेल गरम हो जाए, मेरा गरम हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले मेथी। मेथी थोड़ी सी चटकने लगेगी, फिर मैं डालूंगी इसमें राई, फिर मैं डालूंगी, ये देखिए राई भी चटकने लगी, अब इसमें डालूंगी सौंफ, ये 1/2 चम्मच हल्दी, अब इसमें मैं लहसुन डालूंगी, करौंदा और हरी मिर्च। हरी मिर्च और करौंदा आपको बराबर बराबर लेना है, लहसुन कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं नमक डालूंगी, ये करीब मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है इसमें, इसको ज्यादा नहीं पकाना होता, बस इसको मैं अब 2 मिनट के लिए ढकूंगी और मेरा अचार तैयार हो जाएगा। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं गैस बंद कर दूंगी। ये देखिए मेरा अचार तैयार हो गया। ये देखिए कल मेरा अचार बन गया है, इसको मैं बॉल में निकाल लेती हूँ, मैं दूसरा अचार बनाऊंगी। अब मैं ये हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार बनाने जा रही हूँ, केवल हरी मिर्च का। इसके लिए मैंने ये कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल के रख दिया है गर्म होने के लिए। अब मेरा तेल गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसमें इस बेसन डाल के भूनूंगी। इसके लिए मैंने लिया 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, और ये मेरे पास 5 तरह के मसाले हैं पिसे हुए, मेथी 1/2 चम्मच मेथी, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच अजवाइन। इन सब मसालों को मैंने गरम करके हल्का सा पीस लिया है, क्योंकि ये थोड़े थोड़े थे इसलिए मैंने इसको इकट्ठा करके पीस के ये रख लिया, और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी है। नमक मैं बाद में डालूंगी, और 1 कप मैंने हरी मिर्च ली है और 2 नींबू का रस। बस अब मैं, मेरा तेल गर्म हो गया, मैं इसमें बेसन डालूंगी, बेसन डाल के इसको भूनेंगे। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, बस इसका कच्चापन खत्म करना है। ये देखिए थोड़ा सा भुन गया है, इसका कच्चापन खत्म हो गया। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक डाल दूंगी, ये 1 चम्मच लहसुन है, कद्दूकस किया हुआ है, इसको कद्दूकस करना है, पीसना नहीं है, और ये अदरक भी कद्दूकस की हुई है, इसको हम 1-2 मिनट भूनेंगे। बेसन के भुनने की महक आने लगी है, अब इसमें मैं ये सब मसाले डाल दूंगी, जो सौंफ, राई, मेथी, अजवाइन और सूखा धनिया है। अब मैं इसमें ये हरी मिर्च डाल दूंगी, हरी मिर्च और नमक। नमक हमेशा हाथ से डालिए, क्योंकि चम्मच से अंदाज नहीं आता, नमक कम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए नमक हमेशा हाथ से ही डालना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी।
2 मिनट में ये अचार मेरा हो जाएगा। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अचार बन गया है। मैंने गैस बंद कर दी। अब मैं इसको ये देखिए, अब मैं इसमें ये 2 नींबू का रस है मेरे पास, ये इसमें डाल दूंगी। इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए मेरे दोनों अचार बनके तैयार हैं। ये बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। इनको पूड़ी पराठा किसी के साथ भी आप बड़े आराम से खा सकते हैं। कोई सब्जी की भी इसके साथ ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए आप मेरे ये अचार बनाइए, बहुत जल्दी बनने वाले अचार हैं। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें।